चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके जो समसामयिक की घटना चक्र वार्षिक अंक आती है ना, ई दृष्टि निकलता है। आप देखते हैं यूपीपीसीएस का जब पेपर होता है उस समय जरूर निकलता है, तो उसी बुक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपका राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग खत्म कर चुके हैं, आपका विधिक परिदृश्य भी देख चुके हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी देख चुके हैं, आर्थिक परिदृश्य पूरा खत्म कर चुके हैं, वैज्ञानिक परिदृश्य में हम लोग तीन टॉपिक खत्म कर चुके हैं, अद्यतन खगोलीय गतिविधियां, अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी, तीसरा टॉपिक था शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां। अब बात करनी है हमें अद्यतन पर्यावरण विज्ञान, यानी कि कहने का मतलब है कि 2019-20 में जो भी घटनाएं घटी हुई हैं पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में, उन सब के बारे में हमें देखना है। तो याद रखिए, सभी जिस भी परीक्षा में आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है, और वैसे ही आप देखते हैं कि सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चाहे आपका यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई भी वन डे एग्जाम हो आपका, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। और यूपीपीसीएस के लिए आप जानते हैं कि सभी लोग पढ़ते हैं, इसी से लगभग क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। तो इसकी एक समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसी में क्रम से आपकी क्लासें डली हुई हैं। लास्ट में क्या करूंगा कि सभी क्लासों को मर्ज कर दूंगा, यानी कि जोड़ दूंगा, ठीक है, एक क्लास बना दूंगा। लेकिन उससे पहले ये लोग छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते रहिए आप। तो आपने सुना होगा कि रामसर द्वारा भारत की 10 नई आर्द्रभूमियों को मान्यता मिल चुकी है। हाल ही में आपने देखा है पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने नई 10 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में निर्दिष्ट किया है। इस प्रकार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई, 37, कितनी 37, पहले 27 थी, अब 10 और जोड़कर कितनी हो गई 37, ठीक है। भारत में इन रामसर स्थलों के अंतर्गत कुल, ये भी पूछ सकता है कितनी भूमि है, आच्छादित क्षेत्र है, ये है आपका 10,67,939 हेक्टर, कितनी 10,67,939 हेक्टर भूमि इसके क्षेत्र में आच्छादित है। अगर आपसे पूछे कि नई जो अभी भूमि जुड़ी हुई है भूमियों में ये कौन कौन सी है, तो 10 नए रामसर स्थलों में महाराष्ट्र का एक नांदूर, मदमेश्वर, पंजाब के तीन है केशवपुर, म्यानी और ब्यास संरक्षण रिजर्व और नांगल, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की अगर आप देखिए यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के जरूर याद रखिए, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, और उसके बाद समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नवल झील, ये आपकी उत्तर प्रदेश की है। आदभूमियों का अभिसमय रामसर अभिसमय के नाम से भी आप लोग जानते हैं, इसे आप लोग पढ़ते रहते हैं पर्यावरण में, ठीक है। नौ घोषित रामसर स्थलों की बात करें तो देखिए, ये स्थल हो गए, सूची में शामिल होने की तिथि हो गई, राज्य हो गई और क्षेत्रफल कितने हेक्टर है इसका, तो नांदूर मदमेश्वर 21/6/2019 को शामिल किया गया था, ये नासिक महाराष्ट्र में है। इसका 1437 यानी कि 1437 हेक्टेयर में फैली हुई है। केशवपुर म्यानी सामुदायिक रिजर्व ये आपका 26/9/2019 को गुरदासपुर पंजाब में है, 344 इसका हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ब्यास संरक्षण रिजर्व ये 26/9/2019 को शामिल की गई है, पंजाब में है, 6,429 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य ये 26/9/2019 को शामिल किया गया, रूपनगर ये आपका पंजाब में 116 हेक्टेयर में फैला हुआ है। फिर आप बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 19/9/2019 को शामिल किया गया, उन्नाव उत्तर प्रदेश में 225 हेक्टेयर में फैला हुआ है। पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये 2/12/2019 में शामिल किया गया, गोंडा उत्तर प्रदेश में 722 हेक्टेयर में फैला हुआ है। समान पक्षी अभ्यारण्य 2/12/2019 को शामिल किया गया, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में 526 हेक्टेयर में फैला हुआ है। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य 3/10/2019 को शामिल किया गया, रायबरेली उत्तर प्रदेश में 799 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य 26/9/2019 को शामिल किया गया, हरदोई उत्तर प्रदेश में 309
क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सरसई नवर झील ए 19/9/2019 को शामिल किया गया, इटावा उत्तर प्रदेश में 161 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जरूर थोड़ा अच्छे से नजर डाल लीजिए क्योंकि पूछ सकता है UPBCS में आपका। इस अभी समय का नामकरण ईरान के शहर रामसर के नाम पर किया गया, जहां आपने देखा था कि 1971 में यह अभी समय हस्ताक्षरित भी हुआ है। इस अभी समय में शामिल होते समय प्रत्येक देश को अपने क्षेत्र के अंतर्गत स्थित न्यूनतम एक आदभूमि स्थल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आदभूमियों की सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आदभूमियों की सूची को रामसर सूची भी कहा जाता है। वर्तमान में रामसर सूची विश्व में संरक्षित क्षेत्रों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। वर्तमान में विश्व भर में सबसे स्थित रामसर स्थलों की बात करें तो इतना है 2392, कहने का मतलब 2392 है। ठीक है, अब नया अगला टॉपिक है हमारा वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020। वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020, तो आपने देखा होगा कि 2 जुलाई 2020 को वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। किस नंबर की है? तीसरी है। याद रहे कि विश्व वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट वैश्विक ई कचरा सांख्यिकी साझेदारी का एक उत्पाद है। किसका? वैश्विक ई कचरा सांख्यिकी साझेदारी का। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व में रिकॉर्ड 53.6 मिलियन मेट्रिक टन ई कचरे का उत्पादन हुआ है। यह औसतन 7.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। आप समझिए कि विश्व की बात कर रहा, वर्ल्ड की, तो इसमें आप देखेंगे वर्ल्ड में 53.6 मिलियन मेट्रिक टन ई कचरा उत्पन्न हुआ है। समझ रहे हैं? उसमें अगर हम लोग प्रति व्यक्ति की बात करेंगे, प्रति व्यक्ति ने कितना, औसत की बात कर रहा हूँ। देखिए कि कोई आप देखते हैं कि 100 किलो निकालता है ई कचरा उत्पादन करता है, कोई 1 किलो, तो सभी का एक कॉमन निकाल के तो आपको देखने को मिलेगा 7.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति रहा है। तो ये विश्व में भी पूछ सकता है कि विश्व में प्रति व्यक्ति कितना ई कचरा उत्पादन रहा है, तो इसे भी बताना है। टोटल का पूछे तो 53.6 मिलियन मेट्रिक टन रहा है। 2014 से 2019 तक वैश्विक ई कचरा उत्पादन में 9.2 मिलियन मेट्रिक टन की वृद्धि देखी है 2014 से 2019 के बीच। ऐसा अनुमान है कि 2030 तक वैश्विक ई कचरा उत्पादन बढ़कर 74 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार वैश्विक ई कचरे के वर्ष 2014 के मुकाबले वर्ष 2030 तक मात्र 16 वर्षों में दोगुना होने का अनुमान है। वर्ष 2014 एवं 2019 के मध्य ई कचरा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति कानून विनियमन को अंगीकृत करने वाले देशों की संख्या 61 से बढ़कर 78 हो गई है। यानी कि 78 देश इसमें आप शामिल हो गए जो ई कचरे के निपटान के लिए, प्रबंधन के लिए अपनी नीतियां बनाएंगी। ठीक है, 78। अगर हम टॉप ई कचरा उत्पादक देशों की बात करें तो इसमें आपके चीन पहले नंबर पर है, कितना किलो टन में है। ठीक है, 10,129 किलो टन चीन अकेले उत्पादन करता है। किलोग्राम में अगर प्रति व्यक्ति की बात करें तो चीन में 7.2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति औसत है इसका। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो 6,918, कितना, 6,918 किलो टन है और 21.08 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। भारत की बात करें तो 3,230 है किलो टन और इसमें भारत के प्रति व्यक्ति की बात करें तो 2.4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। ठीक है, जापान की बात करें तो ये 2,569 किलो टन है और प्रति व्यक्ति की बात करें तो 20.4। ब्राजील की बात करें तो 2,143 किलो टन है और प्रति व्यक्ति की बात करें तो 10.2 है। तो सबसे ज्यादा किसमें, इसमें आप देखेंगे किसका है, चीन का। अगर आपसे पूछे प्रति व्यक्ति में देश में तो संयुक्त राज्य अमेरिका 21.0 है। ठीक, भारत की स्थिति है तीसरे नंबर पर 3,230 और हमारे यहाँ औसत व्यक्ति कितना, 2.4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति।
देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छी स्थिति में हमें खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जो देश इलेक्ट्रॉनिक सामानों में आगे होगा, इस तरह की आप सोचिए कि तकनीक में आगे होगा, उस देश में निश्चित बात है कि उसमें ई कचरा उत्पादन अधिक होगा। ठीक है, तो आप सोचिए कार्बन की, आप सोच लीजिए कि कार्बन किसी देश में अधिक उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी लगा लेंगे कि वो देश पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल नहीं, आप लोग जितना उद्योग धंधे चला रहे होंगे उतना ज्यादा आप सोचिए कि एक तरह से उसका कार्बन उत्पन्न होगा। वही है कि एक आपने नई गाड़ी ली हुई है, मान लीजिए एक आपने ट्रक ले लिया, और एक आप एक आदमी है कि वो खड़ा किए हुए, तो उसके टायर नहीं घूरेंगे, यानी कि टायर उसके खत्म नहीं होंगे। आप चला रहे हैं, उसे पैसा उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपके टायर जल्दी खत्म हो जाएंगे, आपके ट्रक में गड़बड़ी आएगी। तो समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका खराब होगा, आपने मतलब नुकसान हो रहा है आपका, क्योंकि आपका चल रहा है इसलिए नुकसान हो रहा है। समझ रहे हैं, वो रखे रखे क्या दे रहा है। तो यही रहता है कि जो देश तरक्की कर रहा हो, जो अपना उद्योग धंधे चला रहा हो, वहां कार्बन अधिक उत्पन्न होता है। इसी तरह ई इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बात करिए। अगर हम पांच शहरों की बात करें, शीर्ष पांच व्यक्ति ई कचरा वाले उत्पादक देश, इसमें आपके मतलब पिति व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ठीक है, पिति व्यक्ति ई कचरा उत्पादक देशों की, तो इसमें आपको नॉर्वे देखने को मिलेगा 26 किलोग्राम पिति व्यक्ति, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड 23.9 किलोग्राम पिति व्यक्ति, स्विट्जरलैंड की बात करें 23.4, और डेनमार्क की बात करें तो 22.4, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 21.7। तो इसमें नॉर्वे याद रखिए। अगर देखिए प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन में बात कर रहा है, तो नॉर्वे पहले नंबर पे है और चीन पहले नंबर पर। नॉर्वे, अब आप सुनिए, देखिए शांति के कोई भी स्वतंत्रता का या कोई भी आप देखिए मीडिया का या लोकतंत्र का किसी तरह का इस तरह का इंडेक्स आता है, तो नॉर्वे जैसे देश आप पहले नंबर पर देखते हैं, और यहाँ देखिए उद्योग धंधे भी नंबर 1 पर है। समझ रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा यहाँ होता है। तो कितना है, 26 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, तो इसे जरूर याद रख लीजिए। ठीक है, टोटल में अगर बात करें तो चीन नंबर 1 पर, और ऐसे में अगर प्रति व्यक्ति में बात करें तो नॉर्वे पहले नंबर पे आपका। अब देखेंगे कचरा मुक्त शहरों की स्टार रैंकिंग की गई है। 19 मई 2020 को केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी ने 2019-20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रैंकिंग के परिणामों की घोषणा की है। 2019-20 के लिए कुल 141 शहरों को स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। कितने, 141, यानी कि 141। ठीक है, कितने, 141 शहरों की रैंकिंग की गई है। 6 को आपका 5 स्टार दिया गया है, 65 को आपका 3 स्टार, और 70 को आपका 1 स्टार रूप दिया गया है। तो 6 को 5 स्टार, 65 को आपका 3 स्टार, 70 को आपका 1 स्टार। इसमें अगर 5 स्टार की बात करें तो 5 स्टार जरूर याद रखिए। अंबिकापुर आपका छत्तीसगढ़ है, राजकोट गुजरात, सूरत गुजरात, मैसूर कर्नाटक, इंदौर मध्य प्रदेश, नवी मुंबई महाराष्ट्र। आपने देखा होगा कि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण भी आए हुए हैं, उसमें इंदौर को आपने देखा है अभी भी टॉप पर ही बना हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 6 शहरों अलीगढ़, गजरौला, गाजियाबाद, झांसी, लखनऊ और नोएडा को 1 स्टार मिला हुआ है। आप समझिए हमारे उत्तर प्रदेश की कितनी खराब स्थिति है। इसमें 1 स्टार में कौन कौन शामिल है उत्तर प्रदेश के शहर, इसमें गजरौला अलीगढ़, गजरौला गाजियाबाद, झांसी, लखनऊ, नोएडा। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रैंकिंग आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च एक पहल है। इसका उद्देश्य शहरों को धीरे धीरे उनके उनकी समग्र स्वच्छता में सुधार कर मॉडल शहर 7 स्टार के रूप में विकसित होने में सक्षम बनाना है। यह स्टार रैंकिंग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के 25 प्रमुख मानदंडों पर आधारित है। कचरा मुक्त शहरों के लिए 7 स्टार रेटिंग निर्धारित की गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि अब तो आपके गेट के सामने भी आती है टैक्सी, सूखा कचरा अलग लेती है, गीला कचरा अलग लेती है, पूरी व्यवस्था है। समझ रहे हैं, इंदौर शहर में आपको ये व्यवस्था और तगड़े से देखने को मिलेगी, इसलिए आप देख रहे हैं इंदौर और मतलब अच्छे से हो रहा है।
पर आपने कुछ समय पहले एक खबर सुनी होगी, टिड्डियों का प्रकोप, या फिर कह सकते हैं टिड्डियों का आक्रमण, आपने सुना होगा। 1 फरवरी 2020 को पाकिस्तान टिड्डी दल के प्रकोप के कारण देश में राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की है। इसके बाद सोमालिया में भी टिड्डियों के प्रकोप के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि टिड्डियों के कारण भी लोग परेशान हो जाते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ता है। मई जून 2020 में भारत में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भारी मात्रा में टिड्डियों के झुंड देखे गए, जिन्होंने खड़ी फसलों, बागवानी फसलों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया। वर्तमान में रेगिस्तानी टिड्डी दल नियंत्रण की प्राथमिक विधि ऑर्गेनोफॉस्फेट रसायन का छिड़काव किया जाता है। अगर इन्हें नियंत्रण करना है रेगिस्तानी टिड्डी दल को, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट रसायन का छिड़काव किया जाता है। इसको याद रखिए, रसायन को पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। टिड्डियों के प्रकोप को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में मई 2020 में मेसर्स माइक्रोन यूके के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर किया है। इस अनुबंध के तहत यूके का यह संस्थान 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों को उन्नत बनाएगा, जिनसे कीटनाशकों के छिड़काव के माध्यम से टिड्डियों के विचरण को रोकने में मदद मिलेगी। 30 जून 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हवाई छिड़काव के माध्यम से टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत भी की थी। इसके तहत स्प्रे उपकरण से युक्त एक बेल हेलीकॉप्टर को ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से बाड़मेर के लिए रवाना भी किया गया था। टिड्डी मुख्यतः एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय कीट होते हैं, जो एक्रिडिडे परिवार से संबंध रखते हैं। टिड्डियां सर्वभक्षी और प्रवासी कीट होते हैं, जिनमें सामूहिक रूप से सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ने की क्षमता होती है। ये एक प्रकार के सीमा पार कीट हैं, जो फसलों को बड़े झुंडों में नुकसान पहुंचाते हैं। तेजी से वनस्पति वृद्धि के बाद उपजी सूखे की उपयुक्त परिस्थितियों में इनके शरीर में सेरोटोनिन रसायन की वृद्धि होती है। इसकी वजह से टिड्डियों में प्रजनन की बहुलता देखी जाती है। भारत में आप देखेंगे 4 प्रकार की टिड्डियां, यथा रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डियां, बॉम्बे टिड्डियां, वृक्ष टिड्डियां। इन 4 प्रकारों को भी याद रखिए, पूछ लेगा आपका, कथन दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सी हमारे भारत में ना नहीं देखी जाती है, तो आपको बताना होगा कि कौन कौन सी देखी जाती है, कौन कौन सी नहीं देखी जाती है। अगर सबसे खतरनाक टिड्डियों के बारे में पूछे, तो टिड्डियों की प्रजाति में रेगिस्तानी जो टिड्डियां हैं सबसे खतरनाक और विनाशकारी मानी जाती हैं। आमतौर पर ये गर्मी और बारिश के मौसम में आपको देखने को मिलेगी। प्राचीन ग्रंथों यथा ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल और पवित्र कुरान में भी रेगिस्तानी टिड्डियों को मानव जाति के लिए अभिशाप की संज्ञा दी गई। तो आप समझिए, आज से नहीं है ये, बहुत पहले से इसका उल्लेख किया गया है। भारत में टिड्डी दल का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य क्रमशः है राजस्थान, गुजरात। पहले नंबर पर राजस्थान और दूसरे पर आपका गुजरात। पर आपने देखा होगा, एक सुना होगा टिड्डी चेतावनी संगठन, ठीक है। वैसे आपके ये संगठन पूरे कवर किए हुए हम लोगों ने, आपके राष्ट्रीय संगठन हो फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसमें डले हुए हैं। अगर कोई छूटा हो तो बताइए, उसे भी हम लोग कवर करवा देंगे। इन संगठन की स्थापना वर्ष 1939 में की गई थी और 1946 में इसे वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के साथ मिला दिया गया। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के अधीन आने वाले टिड्डी चेतावनी संगठन का कार्य अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्रों जैसे राजस्थान, गुजरात में टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण करना। इस संगठन का केंद्रीय मुख्यालय आपको फरीदाबाद में देखने को मिलेगा। कहाँ है इसका मुख्यालय? फरीदाबाद में। अब देखिए, एक नई खबर है और इससे आप देखेंगे कि क्वेश्चंस उठा के देखिए आप लोग पेपर, हर साल आपको क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसीलिए तो कहता हूँ कि 5 साल के कम से कम मिनिमम पेपर उठा के देख लिया करिएगा, कहाँ से किस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 आई हुई है, अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी पेपर में इससे क्वेश्चंस ना पूछे जाते हैं। देखिए, अलग बात है कि कोई मेन पेपरों की बात कर रहा हूँ, जैसे MPPSC, UPPSC या आपका बिहार PCS या स्टेट PCS होगी, वन डे एग्जाम में देखिए पूछे या ना पूछे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, यहाँ अगर आप लोग सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं,
जीएस को या करंट अफेयर्स को, तो वनडे एग्जाम को भूल जाया करिएगा। वनडे एग्जाम अपने आप कवर हो जाता है, टेंशन नहीं लेना पड़ता है। आप ये मानिए कि बहुत ऊपर उठ के आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बुक्स को आप लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत बहुत ऊपर उठकर पढ़ रहे हैं, और आपका मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत होगा। तो याद रखिए 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 30 दिसंबर 2019 को वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी की गई है, ये 16वें नंबर की है। यह रिपोर्ट अक्टूबर 2017 से फरवरी 2018 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है, सैटेलाइट। आप समझते हैं ना कि हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं। अब आप सोचिए वन के बारे में हर क्षेत्र में कोई जाके ये तो गणना नहीं करेगा कि इस क्षेत्र में इतने वन है, इस क्षेत्र में इतने वन है। आजकल उपग्रह के द्वारा सैटेलाइट के द्वारा सब कुछ हो जाता है कि यहाँ इतना वन है, यहाँ इतना वन है। एक बहुत बढ़िया सुविधा है, यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण 71.22 मिलियन हेक्टर, यानी कि कहने का मतलब है कि 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। एक बात आपको बता दूं, अगर आपसे वनावरण की पूछ रहा है, वनावरण की, इस शब्द को बड़े अच्छे से याद रखिए, तो कितना है आप देखेंगे, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर हेक्टर में फैले हुए क्षेत्र में, वर्ग किलोमीटर में फैली हुई भूमि पर, ठीक है, वनावरण। और एक टोटल हमारी जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें से कितना है इसका स्थान, 21.67। आपसे मुझे लगता है कि ये हेक्टर में और या किलोमीटर में नहीं पूछेगा, वर्ग किलोमीटर में, आपसे प्रतिशत में पूछता है, 21.67। फिर भी आप लोग थोड़ा तो ये ध्यान दे लिया करेगा इस पर भी। अब इस रिपोर्ट में अगर हम देश में कुल वनावरण वनावरण को भी शामिल किया जाए और वृक्षावरण को भी शामिल किया जाए तो ये पहुंच जाती है 80.73 मिलियन हेक्टर, यानी कि 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, जो आप देखेंगे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 है। अगर आपसे पूछ रहा है कि केवल वनावरण तो आप कहेंगे 21.67, और आपसे पूछ रहा है कि वनावरण प्लस वृक्षारोपण वृक्षावरण तो आप कहेंगे कितना, 24.56। इन दो पॉइंटों को बड़े अच्छे से याद रखिए, इनसे क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते रहते हैं। आप देखेंगे 2017 की तुलना में 2019 में 3,976 वर्ग किलोमीटर की वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। एक अच्छी बात है कि वन क्षेत्र में वृद्धि हुई, कितनी, 3,976 2017 से 2019 की, 2017 की जो रिपोर्ट आई थी और उसके बीच की जो भी समय है 2019 के, उसी में 2019 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण 9.50 मिलियन हेक्टर है, जो आपका 95,027 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देश के अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बात करें तो 2.89% है, कितना, 2.89। ये केवल आप देखिए वृक्षारोपण वृक्षावरण की बात कर रहा है। पर आप देखेंगे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण आपका 2,84,006 वर्ग किलोमीटर, और ये 2000 अगर हम 17 की रिपोर्ट की बात करें तो ये 544 वर्ग किलोमीटर अधिक है 2017 की रिपोर्ट से, जो इन जिलों की भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.30 है। और वैसे भी आप जानते हैं पहाड़ी जिलों में अधिक वन ही पाए जाते हैं, तो 40.30। अगर हम जनजातीय जिलों की बात करें तो यहाँ भी खासे आपको वन देखने को मिलते हैं। तो 2019 की कुल वनावरण 4,22,351 वर्ग किलोमीटर, ये 2017 की रिपोर्ट की अनुसार बात करें तो 1,181 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है, जो इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.54 है, क्योंकि आप जानते हैं वन जनजातीय क्षेत्रों में भी आप जाकर देखिए वहां भी वन अधिक ही देखने को मिलेंगे। फिर आप अगर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों में कुल वनावरण आपका 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है, और 2017 की तुलना में 765 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में कमी आई है वन की, ठीक है, 765 वर्ग किलोमीटर की। इनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.05% है। उत्तर पूर्वी राज्यों में आप देखिए अधिक वन आपको देखने को मिलेगा, जनसंख्या उस समय उस तरह कम है, ठीक है।
अगर हम 2019 और 2017 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो कर्नाटक में देखने को मिली है। कितनी? 1025, यानी कि 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि आपको कहाँ देखने को मिली गई? कर्नाटक में। इस पॉइंट को बड़े अच्छे से गौर से याद रख लीजिए। और कमी की अगर आपसे पूछे कि मणिपुर में देखी गई, कितनी है मणिपुर में? 499 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है मणिपुर में। ठीक है, वृद्धि आपकी कर्नाटक और कमी मणिपुर। अगर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो क्षेत्रफल, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य, तो इसमें आपको मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र है। अगर आपसे क्षेत्रफल में पूछ रहा है तो पहले नंबर पर आपका क्या है? मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। अगर आपसे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 5 राज्य पूछ रहा है संघीय क्षेत्र, तो इसमें लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। अगर आपसे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले वाले भारत के 5 राज्य पूछ रहा है, देखिए अगर संघ शासित क्षेत्रों यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उन्हें शामिल करने की बात कर रहा है, तो लक्षद्वीप में आप देखेंगे 99.33% भूभाग पर यहाँ बने हैं आपको सबसे ज्यादा। अगर केवल राज्यों की पूछ रहा है तो इसमें आपको मिजोरम पहले नंबर पर, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड है। ठीक है, वृक्षावरण की दृष्टि से 2019 की रिपोर्ट में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य क्रमशः हैं आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये वृक्षावरण की बात कर रहे थे, हम लोग वनावरण की बात कर रहे थे। वनावरण में आपका क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है और वृक्षावरण में आपका क्षेत्रफल में महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, और न्यूनतम की बात करें 3 राज्यों की तो क्रमशः सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा। सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य केरल है। ठीक है, वृक्षावरण वाली मात्र। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मैंगो आवरण देश के 12 तटीय राज्यों संघीय क्षेत्रों के 4,975 वर्ग किलोमीटर, 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 0.15% है, बहुत कम है। ठीक है, तो बढ़ोतरी इसमें भी देखी गई है। भारत में सर्वाधिक मैंगो आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्र, जिसमें आप पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 2,112 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में 1,177 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 616 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 404 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिए, अगर आपसे सर्वाधिक मैंगो आच्छादित राज्यों या संघ शासित प्रदेशों की पूछ रहा है तो पश्चिम बंगाल टॉप पर है। जब 4 सर्वाधिक मैंगो आच्छादित जिलों की बात करें, अगर आपसे जिलों की अगर पूछे तो इसमें भी आपका 24 परगना पश्चिम बंगाल का जिला है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा 2,082.17 वर्ग किलोमीटर। फिर आपका कच्छ गुजरात देखने को मिलेगा 794.77 वर्ग किलोमीटर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 424.52 वर्ग किलोमीटर, जामनगर गुजरात 229.50 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें एक अच्छाई ये है कि पश्चिम बंगाल देखिए सर्वाधिक मैंगो आच्छादित राज्य संघ शासित प्रदेशों में शामिल है, दूसरे पर गुजरात है, तीसरे पर आपका अंडमान निकोबार है। इसी तरह आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, 4 सर्वाधिक मैंगो अगर आच्छादित जिलों की पूछ रहा है तो 24 परगना पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल यहाँ भी है, पश्चिम बंगाल यहाँ भी है, बस आपको जिले को याद रखना होगा। दूसरे पर यहाँ गुजरात है तो यहाँ कच्छ गुजरात है, ठीक है, यहाँ अंडमान निकोबार है। ठीक है, देश के कुल मैंगो आवरण में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का योगदान 41.85 है, यानी कि कहने का मतलब है कि 41.85% केवल योगदान किसका है? 24 परगना जिले जो पश्चिम बंगाल का है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र 16,582 है, यानी कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप उत्तर प्रदेश को भी याद रख लीजिए, क्योंकि यूपीपीसीएस में और बाकी एग्जामों में पूछ सकता है। तो यह 16,582 वर्ग किलोमीटर, जो इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, जो इसके मतलब उत्तर प्रदेश के 6.98
88%। अगर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का पूछ रहा है तो 2.17%। यानी कि हमारी उत्तर प्रदेश की आपकी स्थिति बहुत बुरी है। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण आपका 14,805.65 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। कितना? 6.15%। ठीक है, 2017 के आंकड़ों की तुलना में राज्य में वनावरण 126.65 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल वृक्षों पर बढ़ाने जंगलों की बढ़ाने की बात ज्यादा की जा रही है, इसलिए बढ़ोतरी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7,342 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.05% है। वृक्षावरण की बात कर रहा हूं। इस प्रकार राज्य में कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों को जोड़ने की बात करूं तो 44,148 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.2 वर्ग किलोमीटर है, माफ करिए, 9.2% है कुल क्षेत्र का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर सर्वाधिक बनावट वाले जिलों की बात करें आपसे तो सोनभद्र पहले नंबर पर, खीरी और उसके बाद मिर्जापुर। कौन कौन सा? सोनभद्र पहले, दूसरे पर खीरी और मिर्जापुर आपका तीसरे पर। अगर आपसे उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाले राज्यों की बात जिलों की बात करें तो सोनभद्र पहले नंबर पर, चंदौली दूसरे और पीलीभीत तीसरे। तो याद रखिए, बनावरण क्षेत्र में यानी कि क्षेत्रफल में भी सोनभद्र पहले नंबर पर है, बनावरण प्रतिशत के मामले में भी सोनभद्र पहले नंबर पर है। ये अच्छी बात है आपको याद रखने के लिए। अब बात करते हैं, यहाँ कुछ आपके पॉइंट एक तरह से सही है, कम से कम आपको भारत में वनावरण एवं वृक्षारोपण टेबल के बारे में डायरेक्ट अभी जो पढ़ा है हम लोगों ने पीछे सब कुछ यहीं दे दिया गया। तो ये 2019 की रिपोर्ट है, ये 2017 की रिपोर्ट है। क्षेत्र में वर्ग किलोमीटर में भौगोलिक क्षेत्र के का प्रतिशत, ये आप देखिए हमेशा आपको मैंने तो देखा है कि प्रतिशत के मामले में जरूर पूछता है, क्षेत्रफल के मामले में तो कम ही पूछता है वर्ग किलोमीटर में, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत जरूर पूछता है। तो वनावरण इसमें आप देखेंगे अति सघन वन 99,278 वर्ग किलोमीटर में, एक कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि आपके मान लीजिए कि हमारा क्षेत्र 100 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो इसे हम लोग 100% मान लीजिए, तो इसमें से कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है आपके, अति सघन वन है, तो आप देखेंगे 3.02। 2017 में कितना था? 98,158 वर्ग किलोमीटर में, ये 2.99 भौगोलिक क्षेत्रफल का था, तो इस बार बढ़ोतरी हुई है। मध्यम सघन वन की बात करें तो 3,08,472 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.38। 2017 की बात करूं तो 3,08,318 था, 9.38, समझ रहे हैं? यानी कि कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, किलोमीटर में देखेंगे थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। अब बात करें खुले वन की, तो इसमें आप 3,04,499 वर्ग किलोमीटर में, ये 9.26 है। पिछली बार की अगर बात करें 2017 की रिपोर्ट की तो 3,01,797 है, 9.18 है, यानी कि इस बार भी इसमें भी बढ़ोतरी हुई। अब देखिए ये पॉइंट जरूर याद रखिए, कुल बनावरण तो ये देखेंगे आप लोग 7,12,249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और भौगोलिक क्षेत्र का 21.67 है, ये जरूर पहुंचने की संभावना रहती है। और पिछली बार कितना था? 7,08,273 वर्ग किलोमीटर, 21.54 था, 21.54। आप लोग याद करिए पिछले के सालों में पूछा भी गया है, ठीक है, तो अभी 21.67 है बनावरण की बात कर रहा हूं। वृक्षावरण की बात करें तो अगर 95,075 वर्ग किलोमीटर, 95,027 वर्ग किलोमीटर है, ये 2.89 आपका 89% है भौगोलिक क्षेत्रफल का। पिछली बार की बात करें तो 93,815 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था, और 2.85 था ये प्रतिशत। देखिए अब कुल वनावरण और वृक्षावरण यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, और इन्हें भी जोड़िए तो 24.56 वर्ग किलोमीटर। तो
तो अगर आपसे अलग अलग पूछ रहा है तो अलग अलग याद रखिए, और अगर दोनों को मिलाकर पूछ रहा है तो आपको इसे याद रखना है 24.56। पिछली बार आप देखिए कि 8,282,088 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, पिछली बार की रिपोर्ट में 24.39 था, इस बार बढ़ोतरी देखी गई। झाड़ियों की याद रख सकते हैं 46,297 वर्ग किलोमीटर, इसमें 1.41 भौगोलिक क्षेत्रफल का है, पिछली बार आपका 45,969 वर्ग किलोमीटर में था, 1.40 भौगोलिक क्षेत्रफल का था। अगर गैर वन की बात करूं तो 25,28,923 ये आपका 76.92 भौगोलिक जो प्रतिशत है इस मामले में, और पिछली बार की बात करूं 25,33,217 वर्ग किलोमीटर में, ये 77.06 था, यानी कि इसमें कमी देखी गई है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करूं अगर हम लोग तो ये 3 लाख, माफ करिए, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो आप सभी जानते हैं कि 32,87,469 के करीब है, ये 100%, ये 32,87,469 ये आपका 100%। गैर वन में वृक्षावरण शामिल है जबकि झाड़ियां पृथक समूह है, और कुल वनावरण में मैंग्रोव क्षेत्र शामिल होता है। चलिए खैर हटाइए, तो इन तीन को मुझे लगता है कि इनसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। कुल वनावरण आपका इस बार का 21.67, वृक्षारोपण वृक्षावरण ये 2.89, और कुल वनावरण और वृक्षावरण में 24.56। इसे 3 पॉइंट को बड़े अच्छे से गौर से याद रखिए, वैसे तो सबको याद रखना है लेकिन इन तीन को जरूर याद रखिए, मुझे लगता है कि इनसे क्वेश्चन आपका बनने की पूरी संभावना भी है। क्या है संभावना है, अब देखिए संभावना ही बता सकते हैं क्वेश्चन अब क्या आएगा, अगर ये मालूम होता तो जरूर आपको बता दिया जाता, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि आप लोग पीछे रहें किसी से। सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा, आपने देखा होगा कि 24 अक्टूबर 2019 को श्रीलंका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के सदस्य देशों ने सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा को अपनाया है, ठीक है। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य वैश्विक नाइट्रोजन चुनौती से निपटने के लिए प्रस्तावित रोड मैप का समर्थन करना है। इस घोषणा के तहत 2030 तक नाइट्रोजन कचरे को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है, कब 2030 तक। कोलंबो घोषणा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और अंतरराष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल की संयुक्त गतिविधि अंतरराष्ट्रीय नाइट्रोजन प्रबंधन प्रणाली के तकनीकी समर्थन के साथ विकसित किया गया है। यह वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा भी समर्थित है। कोलंबो घोषणा के भाग के रूप में जीवन के लिए नाइट्रोजन नामक एक अभियान भी प्रारंभ किया गया है, तो इसे याद रखिए इन पॉइंटों को। 2019 में आपने देखा है कि ओजोन छिद्र का क्षेत्रफल न्यूनतम, नासा ने एक रिपोर्ट एक तरह से बताया है कि ओजोन छिद्र का क्षेत्रफल न्यूनतम देखा गया 2019 में। 21 अक्टूबर 2019 को जारी नासा और NOAA नेशनल ओशियन एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ओजोन छिद्र वर्ष 1982 के बाद सबसे छोटा देखा गया। सितंबर अक्टूबर 2019 में अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में आसमान मौसमी गतिविधियां इस परिस्थितियों ने ओजोन रिक्तिकरण को प्रभावशाली रूप से सीमित कर दिया है। सामान्यतः सितंबर व अक्टूबर महीने में ओजोन छिद्र का क्षेत्रफल 8 मिलियन वर्ग मील तक देखा जाता है, लेकिन इस वर्ष 2019 में 8 सितंबर को ओजोन छिद्र का अधिकतम क्षेत्रफल 6.3 मिलियन वर्ग देखा गया है, मील रिकॉर्ड किया गया है। सितंबर के अंत व अक्टूबर के प्रारंभ में ओजोन छिद्र का क्षेत्रफल 3.9 मिलियन वर्ग मील से भी कम पाया गया, जो अब तक ओजोन छिद्र का सबसे कम क्षेत्रफल है। पिछले 40 वर्षों में यह तीसरा अवसर है जब मौसमी परिस्थितियों ने ओजोन रिक्तिकरण की प्रक्रिया को सीमित किया है। इससे पूर्व सितंबर 1988 और 2002 में अंटार्कटिका के ऊपर समता मंडल में ऐसी ही मौसमी परिस्थितियों की वजह से ओजोन छिद्र सामान्य से छोटा पाया गया। एक बात और आपको बता दूं, ओजोन छिद्र आप लोग सोचते हो कि ओजोन छिद्र पर ओजोन परत पर इतना ध्यान क्यों दिया जाता है। देखिए अगर डायरेक्ट सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़े तो आप सोचिए कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इससे हमारे लिए एक तरह सुरक्षा का वातावरण पैदा करता है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि
क्या अंटार्कटिका पर अभी प्रदूषण देखा गया है, जहां मतलब आप सोचिए कि मानव समुदाय वहां रहता ही नहीं है कोई भी, फिर भी आप देखिए वहां अगर प्रदूषण देखा जाए तो एक चिंता का कारण बन जाता है। आप लोगों को बताना है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, नीचे लिखिए आप लोग, ये भी क्वेश्चंस कई बार बनता रहा है, तो इतना सर्च करके लिखिए आप लोग, याद भी हो जाएगा। मुझे एक मिशन 20 सितंबर 2019 को जर्मनी का अनुसंधान जलपोत पोलर स्टर्न आर्कटिक जलवायु के अध्ययन हेतु टॉम्सो नॉर्वे से रवाना हुआ है। यह पोत आर्कटिक महासागर में समुद्री बर्फ के बहाव के सहारे धीरे धीरे गति कर अनुसंधान संचालित करेगा। इस अभियान को मुजेक, क्या मुजेक यानी कि दामल्टी डिस फिलाइनरी ऑब्जर्वेटरी फॉर दी स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट नाम दिया गया है। इसका शॉर्ट नाम याद रखिए, पूरा अगर पूछे तो बता देना है जरूर। थोड़ा 19 देशों की कुल 600 अनुसंधानकर्ता हैं इस अभियान में भाग ले रहे हैं। कितने? 19 देशों की 600 अनुसंधानकर्ता इसमें भाग में ले रहे हैं। यह अभियान जर्मनी स्थित अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट हेल्म हेल्म होल्ट्ज सेंटर फॉर पोलर एंड मरीन रिसर्च के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है। आर्कटिक जलवायु प्रणाली के अन्वेषण हेतु मध्य आर्कटिक महासागर में संचालित होने वाला यह पहला एक वर्षीय अभियान है। अंतरराष्ट्रीय आर्कटिक विज्ञान समिति के तत्वाधान में विश्व के अग्रणी ध्रुवीय अनुसंधान संस्थाओं के एक अंतरराष्ट्रीय कार्टोटियम ने इस परियोजना को डिजाइन किया है। यह मिशन आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और समुद्री बर्फ में कमी के क्षेत्र एवं वैश्विक प्रभावों को समझने में मदद करेगा। तो चलिए, ये था आपका रक्षा विज्ञान। अभी आपकी छोटी छोटे टॉपिक कवर कर रहे हैं आप लोग, लास्ट में आपका सभी जोड़ के उपलब्ध करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बहुत बड़ा हम लोग एक हिस्सा खत्म भी कर चुके हैं, तो उन्हें देखते रहिए और बाकी जो बचा हुआ है उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। आगे हम मिलते हैं रक्षा विज्ञान के साथ।